जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सदैव बुराइयों से बचाए, अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और भैरव बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, हर रोज की तरह राशिफल लेकर आता हूँ आपके लिए, आपके हर रोज का हाल जानने के लिए। 21 सितंबर 2022 मेष राशि से मीन राशि के विषय में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे जिनका जन्मदिन है और जिनकी एनिवर्सरी है क्या उपाय करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को आप पूरी देखिए और यदि आप हमारे दिए गए उपाय पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। मैं हर वीडियो में एक उपाय भी लेकर आता हूँ आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो भी आप देख जरूर पाएंगे। तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं आज के पंचांग की। देखिए, बुधवार 31 सितंबर 2022 मास अश्विनी नक्षत्र पुष्य, सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:19, चंद्र राशि कर्क राशि है, राहु काल 12:14 से 1:45 शाम को। राहु काल में कोई भी सुबह शुभ काम नहीं किया जाता, इसलिए राहु काल से जरूर बचना चाहिए। तिथि एकादशी है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब शुरू करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। देखिए, हाथ में लिया हुआ काम जब तक आप पूरा नहीं होता आपका, तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे, न ही अपने विश्वास को ढलने देंगे आप। आपकी मेहनत और लगन देखकर लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद और साथ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में आपकी समस्याओं का समाधान केवल आपके द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए लोगों के साथ अपनी तकलीफ की अधिक चर्चा बिल्कुल न करें। शुभ रंग पीला है, शुभ अंक आपका 8 है। आज आप क्या करें, आज आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। वृषभ राशि वाले, आपको प्राप्त हुए यश की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण लोगों के साथ के बर्ताव में भी बदलाव जरूर दिखेगा। अचानक से उत्पन्न हुए विवाद और भूतकाल से संबंधित बातों की चर्चा होने की वजह से आपकी मानसिक शांति ढल सकती है। अपनी कमजोरियों को किसी व्यक्ति को आप अपने खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। आज आपका शुभ रंग नीला है, शुभ अंक आपका 1 है। आज जब भी आप घर से बाहर जाए तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले खुद के बारे में फिर से सकारात्मक महसूस आप करेंगे और तय किए लक्ष्यों को प्राप्त किए बिना आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। परिवार के सदस्यों द्वारा आपको बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसके जरिए मान सम्मान तो मिलेगा ही और अपने काम का विस्तार करना भी आपके लिए आसान होगा। शुभ रंग आज आपका सफेद है, शुभ अंक आपका 5 है। आज क्या करें, आज हरी मूंग की दाल कबूतरों को जरूर खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले, अपने निश्चय पर टिके रहने की वजह से विजय प्राप्ति का आनंद आपको मिलेगा। अपनी मानसिक और कार्य क्षमता को चुनौती देखकर आप खुद खुश होकर ही उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन के आसपास के लोगों के साथ तुलना करने की वजह से जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करने का हौसला भी आपको जो है आपका बना रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है, शुभ अंक आपका 1 है। आज क्या करें, आज पीपल में जल जरूर दें। सिंह राशि वाले परिवार के जिस व्यक्ति को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा, जिसके कारण आपको समाधान मिलेगा और आपकी चिंता कम होने लगेगी, वजह से आप खुद की बातों पर अधिक ध्यान बनाकर रख पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय या प्रॉपर्टी का बंटवारा आपस बातचीत के आसान तरीके से आपको मिल जाएगा, आसान तरीके से जो है आसान अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग लाल है, शुभ अंक आपका 4 है। आज आप क्या करें,
गाय को हरा चारा जरूर खिलाए। कन्या राशि वाले सेहत में कमजोरी आने के कारण आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप को खुद मतलब दुख महसूस होगा और साथ में महत्वपूर्ण कामों में पीछे हटने की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल आपकी पूरी तरह से ध्यान सेहत पर देने की जरूरत होगी, वरना आप अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। आज जब भी आप गाड़ी वगैरह चलाए थोड़ा ध्यान से चलाए, किसी से झड़प हो सकती है, इसलिए आप कुछ ज़्यादा ना बोले तो अच्छा रहेगा, आराम से आप निकल जाए, नहीं तो बात ज़्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग आपका सफ़ेद है, शुभ अंक आपका 5 है। आज क्या करें, जब भी आप घर से बाहर जाए तो मीठा खा के जरूर जाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले, पैसा जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन केवल एक ही पहलू है, इसलिए केवल पैसों से संबंधित फायदे को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के रिलेशनशिप को न बिगड़ने दे और लोगों से लिए हुए पैसों को तुरंत चुकता करने की आवश्यकता होगी आपको, वरना आपकी मेहनत तो हो ही रही है, साथ में लोगों का आपके ऊपर रखा हुआ भरोसा भी जो है पूरी तरह से टूट सकता है। इसलिए आज आपका शुभ रंग लाल है, शुभ अंक आपका 3 है। आज आप क्या करें, आज जब भी घर से बाहर जाए तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाए। वृश्चिक राशि वाले, किसी व्यक्ति के प्रति रखा हुआ गुस्सा आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस व्यक्ति के साथ भले ही आपके संबंध न हो, लेकिन उनके द्वारा मिले हुए अनुभव पर ही आप अटके रहने के कारण न आप आगे बढ़ पा रहे हैं, न ही इस व्यक्ति को माफ कर पा रहे हैं। आज आपका शुभ रंग हरा है, शुभ अंक आपका 6 है। आज आप क्या करें, सूर्य को जल दें और आदित्य हस्तोत्तम का पाठ करें। धनु राशि वाले, हर एक बार स्पष्ट रूप से बात करना जरूरी नहीं होता। कब आपको गुस्सा दिखाना है और कब आपको प्यार से काम कराना है, इस बात को जाने और उसी प्रकार से अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करें। केवल अपनी जिद को मनाने की कोशिश लोगों को आपसे दूर करा रही है, साथ में बेकार के विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं जो आपकी कार्य क्षमता के साथ वक्त की बर्बादी भी कर रहे हैं। शुभ रंग पीला है, शुभ अंक आपका 8 है। आज आप क्या करें, आज आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। मकर राशि वाले, महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने की आशंका बन रही है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो कागज है उनको ध्यान रखें, जिसके कारण आपका अधिक नुकसान, आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा लेकिन मानसिक क्लेश अधिक रहेगा। आपके परिवार के लोगों का मिल रहा साथ और आर्थिक मदद का उपयोग आप केवल खुद के जीवन को बेहतरीन कराने के लिए करेंगे। अपने जीवन को सुधारते समय आपके ऊपर बनी हुई जिम्मेदारियां को भी निभाने की कोशिश करें आप। शुभ रंग नीला है, शुभ अंक आपका 5 है। आज आप क्या करें, आज जब भी आप घर से बाहर जाए तो मीठा खा के जरूर जाए। कुंभ राशि वाले, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों में भी उतार चढ़ाव नजर आएगा। यदि अपेक्षाओं के अनुसार काम पूरा नहीं होता तो अधिक नाराज न होते हुए नई उम्मीद के साथ काम को करने की कोशिश करें। जितने पैसों की जरूरत आपको है उतना पैसा आपको प्राप्त होता है, लेकिन इसी वजह से आप अपनी आर्थिक आवक को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आज आपका शुभ रंग सफ़ेद है, शुभ अंक आपका 9 है। आज आप क्या करें, आज आप थोड़ा सा मीठा घर से बनवाकर किसी गरीब को खिला दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले, आपकी गलतियों को सुधारने का मौका आपको प्राप्त हो रहा है, जिसका फायदा आप पूरी तरह से उठाएंगे, लेकिन कुछ बातों का पछतावा अधिक रहने की वजह से आपकी मानसिक शांति ढल सकती है। खुद के व्यक्तित्व का अवलोकन करके जीवन शैली और अपेक्षाओं में बदलाव आप ला पाएंगे। फिर भी अवलोकन करते समय खुद को कठोर नजरों से न परखें आप। आज आप अपने जितने भी
फेसबुक के या किसी को भी आपके कोई पासवर्ड वगैरह है किसी को शेयर ना करें, आपको नुकसान हो सकता है और उसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आज बच के रहें। शुभ रंग संतरी है, शुभ अंक आपका एक है। आज आप क्या करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आज दिन बुधवार है और आज आप भगवान श्री गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर ही कुछ जरूरी काम से आप बाहर जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, हर वीडियो में ऐसे ऐसे उपाय लेकर आता हूँ, आपको विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपके साथ इतना अच्छा चमत्कार होता है और फिर आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करते हैं। तो इसलिए जो भी उपाय करें तो विश्वास के साथ करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। हर वीडियो में कुछ विशेष आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय भैरव बाबा।